जी जी नहीं बस मैं आ रहा हूँ। अच्छा और कौन कौन है? अच्छा और नुमान साहब? अच्छा डॉक्टर फराज पहुंच गए थे जी। ठीक है ठीक है, नहीं बस मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ जी। ओके दा ऑफिस। बेटा सबर करो, सबर कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल है, इसके सिवा हम क्या कर सकते हैं? जी अंकल सबर तो करना ही पड़ता है। मियाँ लोग भी तो अंधों की तरह गाड़ी चलाते हैं, और कोई कह रहा था कि गलती रिया की है। जी अंकल, अंकल आप प्लीज बैठे, मैं भी आता हूँ। डॉक्टर साहब कोशिश कीजिए कि इन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। मम्मा दादू मम्मा को क्या हुआ? मम्मा को क्या हुआ दादू? मम्मा को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटा, मामा अभी ठीक हो जाएंगे। तूबा बेटा तूबा, मामा बेगम, मामा बेगम हमसे सबर करने को मत कहिएगा। मामा बेगम कैसे करेंगे सबर? बेटा अम्मा, अम्मा, तूबा बेटा अम्मा, उन्हें होश आ गया है सर, बहुत बेहतर हैं। ओह थैंक गॉड। अरे वजी साहब आपने उन्हें बताया तो नहीं? मैंने तो नहीं बताया लेकिन डॉक्टर ने बता दिया है। ओहो सॉन्ग डॉक्टर साहब, तबीयत कैसी है उनकी? अभी माशाल्लाह बहुत बेहतर है। मिल सकता हूँ मैं? जी जी क्यों नहीं मिल सकते, मैं मिल के आता हूँ। ठीक मेरे परवरदिगार की अमानत थी, उसने वापस ले ली। तूबा का क्या है बेटा? जिसकी दुनिया ही उजड़ जाए, जिसकी दुनिया ही उजड़ जाए उसका क्या हाल होगा? जैनी कैसी है? कयामत तो आ चुकी, आसमां तूबा उजड़ गई। तूबा की अम्मा नहीं आई? कल पहुंचेगी, उन्हें डेथ का नहीं बताया, सिर्फ एक्सीडेंट का बताया।
लंदन से यहां तक का सफर कैसे काटती? तूबा तो फिर अम्मा के साथ चली जाएंगी ना? जा सकती है इद्दत के बाद, लेकिन हम भेज नहीं सकेंगे आसमा। तो रोक के भी क्या करेंगी आपा बेगम? मैं तो कहती हूँ जाने दें, ये दूध पी लीजिए। अब आप ये दूध पीकर सो जाएं, दो दिन से आप जाग रही हैं। नींद नहीं आती आसमा, आंखें बंद करते हैं तो सह की शक्ल सामने आ जाती है। ज़हनी सो गई क्या? पता नहीं, शायद वो छोटे साहब के कमरे में। आप बेगम, आप प्लीज ये दूध पी लें। नहीं आसमा, मैं नहीं पी रही। आप प्लीज, आप बेगम लीजिए ना। चाचू, दादा अब्बा कह रहे थे कि हम जिनसे प्यार करते हैं वो हमें कभी छोड़ के नहीं जाते। क्या पापा हमसे प्यार नहीं करते थे? नहीं बेटा, वो हमसे बहुत प्यार करते थे, शायद हमारे ही प्यार में कुछ कमी थी। चलो तुम सो जाओ, फिर पापा तुम्हारे ख्वाब में आएंगे। चाचू, कल पापा मेरे ख्वाब में आए थे, पापा मुझसे बहुत दूर थे, मैंने उन्हें बुलाया भी तो वो नहीं आए। आ जाएंगे ना? शायद आ जाए। चाचू, मैं उनसे ये भी पूछूंगी कि वो हमें छोड़ के क्यों गए, फिर आपको बताऊंगी। मुझे पता है बेटा वो क्यों चले गए। मैंने अभी तक आपको जवाब नहीं दिया। किस बात का? आपने कहा था ना कि सिर्फ इतना कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। मोहब्बत के लिए इजहार की जरूरत नहीं होती, लेकिन नफरत के लिए होती है। इतना बता दूं भाई कि मुझे आपसे सख्त नफरत है। और मुझे आपसे नफरत। चाचू? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। पता नहीं हमारे बच्चे के दिल में किसकी नफरत की खोज थी जो उसे हमसे यूं छीन ली। ऐसी कोई बात नहीं है लिया मसाब, हम पर शक मत कीजिएगा। हम आप पे शक नहीं कर रहे हैं अजरा बेगम, हम तो ये जानना चाहते हैं कि मोहब्बतों की बातें करते करते अचानक रास्ते में उसे क्या हो गया था। बस हम ये जानना चाहते हैं। शायद जिंदगी में पहली बार हमने आपके सामने नाराजगी का इजहार किया था, सिर्फ इसलिए कि आपने हमसे जिक्र किए बगैर सब कुछ उसे सौंपने का फैसला किया था। हमें अपनी कम मायकी का एहसास हुआ था, आपने हमें इस काबिल ही नहीं समझा। हमें कोई एतराज नहीं था लिया मसा, बस यूं कह लीजिए हमारी जबान से निकले हुए अल्फाज उन लम्हों में कैद होकर हमारा जुर्म बन गए। आप हमारा कभी यकीन नहीं करेंगे लिया मसा, हमें मालूम है। शबत्ती बुझा दीजिए, बुरी लग रही है। तूबा बेटा, दवा खा लो। नहीं मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मामा, सिया ड्राइविंग में गलती नहीं कर सकते, वो तो गलती उसकी हो या दूसरे की, अब ये सोचने से फायदा? तुम खुद को संभालो, अब्बा जान और बाबा जान की तबीयत बहुत खराब है, इतने दिन गुजर जाने के बाद भी नहीं संभल सके, तुम्हारी हालत देखकर और दुखी हो जाते। खाना लग चुका है, खाना खा। मुझे भूख नहीं है मामा। बाकी तो सबको है ना, उठो थोड़ा सा चलो। चलो ठीक है, बाद में आ जाओ। हाँ हाँ ठीक है ठीक। ओके, लाफेज। किसका फोन था मामा? सईद का फोन था। तूबा बेगम का सोगे नहीं खत्म होके दे रहा है, बेचारा सईद अलग परेशान होकर रह गया। मैंने कहा भी कि आ जाओ, मगर वो तो बस भाभी का क्या है, रहेंगी या जा रही है। बहुत चालाक है वो, आसानी से नहीं जाएगी।
जानती हैं कि जिया की बेवा बनकर रही तो उसमें उनका बहुत ज्यादा फायदा है। जिया की माँ के नाम बहुत ज्यादा जायदाद थी जो अब अली भाई के नाम है। अगर खैर वो तूबा को तो नहीं मिलने वाली। वैसे अब उनके यहाँ पे कोई रहने की तुक भी नहीं बनती है और तुम देख लेना 2-3 साल और ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद वो शादी करेंगी और चली जाएंगी। मामा मामा जैनी का क्या होगा? जब तक अली अहमद भाई और आपा बेगम जिंदा है जैनी को तो वो कहीं नहीं जाने देंगे। मगर बेटा मैं चाहती हूं कि तुम सईद से उसकी मर्जी पूछ लो। देखो मेरी जान आपा बेगम को अब जितनी तुम्हारी जरूरत है ना तूबा की नहीं है। इस बात को समझो। मामा चले नाश्ता कर लीजिए। हाँ मैं आ रही। सुनो जैनी स्कूल गई कि नहीं? नहीं। क्यों? मामा से बुखार है। बुखार है जी। मैम भाभी क्या लंदन जाएंगी? पता नहीं बेटा, उनकी वालदा तो यही कह रही थी। खुद तुम्हारी भाभी क्या फैसला करती है ये मालूम नहीं। बेटा हम जैनी के बगैर कैसे रहेंगे? सब ठीक हो जाएगा। मामा क्या बाबा जानी ने अजमत मामा की जायदाद भाई के नाम कर दी थी? हाँ वो तो उसी दिन कर दी थी। क्यों? कुछ नहीं मैं ऐसे ही पूछ रहा था। चले नाश्ता कर लीजिए आइए। तुम चलो मैं आ रही हूँ। ठीक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, जिया साहब तो अब इस दुनिया में नहीं रहे और अली अहमद साहब की तमाम जायदाद के मालिक आप ही हैं। थोड़ा बहुत हिस्सा उनकी बीवी को और कुछ हिस्सा बेटी को मिलेगा और बस। फसी साहब आप सोच रहे होंगे कि मैं कितनी गलत बातें कर रहा हूँ, लेकिन यकीन माने कि ये सब कुछ करने पे मुझे मजबूर किया गया है। नहीं सर, इस तरह सोचना आपका हक है। फसी साहब बात हक की नहीं दुख की है। जिस रोज भाई की डेथ हुई थी उसी सुबह मैंने उनकी और उनकी बीवी की बातें सुनी थी। वो भाई से कह रही थी कि बाबा जान को समझाएं कि सईद को उसका हिस्सा देना ठीक नहीं है। अच्छा सर, ये तो वाकई बड़े दुख की बात है। इसीलिए वो मुझे अब बुरी लगने लगी है। अब उनका हमसे कोई रिश्ता नहीं है सिवाय ये कि वो जैनी की माँ है। वैसे उसूलन उन्हें चला जाना चाहिए, ये आपके हक में है। इसका मतलब है कि जो जायदाद भाई के नाम हुई थी अब मुझे मिल जाएगी। आपको तो नहीं, अली अहमद साहब को वापस मिल जाएगी। फैसला वो करेंगे अगर उन्होंने फैसला किया तो। उनसे फैसला कराना पड़ेगा और भाभी को भी जाना होगा। पापा जान मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा जिंदगी की राहें बहुत कठिन होती हैं, अकेला इंसान थक जाता है। मैं अकेली कहाँ हूँ बाबा जान, आप सब तो हैं। हमारा क्या है बेटा, हम तो चिरागे सहरी हैं, किसी वक्त भी गुल हो सकते हैं। कैसी बातें करते हैं आप बाबा जान। तूबा बेटा तुम जो फैसला भी करोगी ना हमें कबूल होगा। मामा बेगम मैं इस घर से दूर जाकर जिंदा नहीं रह सकूंगी। अरे भाई तुम्हें घर छोड़ने कौन कह रहा है तूबा, ये तुम्हारा अपना घर है। मामा आप चली जाए, आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। हाँ जाने, जिस बच्ची को इतने अच्छे माँ बाप मिल जाए उसे और क्या चाहिए। लेकिन भाभी तूबा और जैनी आपसे मिलने जरूर आएंगे। सच्ची बात तो ये कि मेरा दिल डर रहा था कि कहीं तूबा जाने के लिए ना कह दे, हम वाकई इसके बगैर नहीं रह सकते। भेज दें और चाय भिजवा दीजिएगा।
लेकिन मैं तो सोच रहा था कि यहाँ से शाम को फारग होके तुम्हारे घर ही जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तो फिर साथ चलेंगे। क्या बात है, परेशान हो? सिर्फ बहुत सी बातें हैं जो मैं तुमसे करना चाहता हूँ, बड़ा बोझ सा महसूस होता है। मैं तो तरसती हूँ कि तुम मुझसे बातें करो। वैसे हम दोनों एक दूसरे का बोझ बांट सकते हैं। थैंक यू सदफ, मैं तुमसे यही कहना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं हुई, शायद डरता था कि तुम कहीं इनकार ना कर दो। कितनी अजीब बात है, मैं तुम्हारे इकरार के इंतजार में थी और तुम मेरे इनकार के। फिर सदफ मैं तुमसे जल्दी शादी करना चाहता हूँ ताकि बाबा जान और मामा को भाभी के असर से जल्द निजात हासिल हो सके और वो मेरा हक ना मार सके। इससे पहले कि बाबा जान उन्हें भाई की जायदाद का वारिस बना दे, हमें शादी कर लेनी चाहिए। मामा भी यही चाहती हैं और मैं आज उनसे बात करूंगा। जी सर, वकील साहब आए। वकील साहब भेजे जी। अच्छा जी, चलेंगे। थैंक यू। ये वकील साहब क्यों आए होंगे? कहीं अंकल ने कोई फैसला तो नहीं कर लिया? नहीं, शायद ये कहना है कि उस रोज बाबा जान ने जो उन्हें सब कुछ दिया था उन कागजात की अब कोई हैसियत नहीं। अस्सलाम वालेकुम। सईद मियां, ये कागजात मैं बहुत पहले तैयार कर चुका था, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं अली मसा को देता, आप ये खुद दे दीजिएगा। अब कैसे कागजात है अंकल? आपको नहीं मालूम? नहीं। अजमत खातून की जायदाद और बैंक बैलेंस अली अहमद साहब जिया के नाम करना चाहते थे। अब जी ये तो मुझे मालूम है लेकिन मैं समझता हूँ कि अब तो इनकी कोई हैसियत नहीं रही। बाबा जान, अगर अली अहमद साहब ने यह सब कुछ जिया के नाम कर दिया होता तो इसकी हैसियत खत्म हो जाती, लेकिन दोनों मुंतकली हुई है। पहले ये सब कुछ जिया के नाम हुआ और जिया ने अपने बेटे जिया के नाम कर दिया और सरपरस्त तुबा को कर दिया है। क्या